हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं दी टेक्सास चेनसो मासेकर फिल्म सीरीज को। और आज हम देखेंगे 1974 में रिलीज हुई पहली टेक्सास चेनसो मासेकर। ये फिल्म ग्रेटेस्ट हॉरर मूवीज में से एक मानी जाती है और इस फ्रेंचाइजी में टोटल 8 मूवीज हैं। टेक्सास चेनसो का किलर है लेदर फेस। इसे लेदर फेस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंसानों के चेहरे निकाल कर उन्हें एक मास्क की तरह पहनता है। ये सीरीज लेदर फेस और उसकी फैमिली के आसपास घूमती है जो कि कैनिबल्स होते हैं, यानी कि उन्हें इंसानों का मांस खाना पसंद होता है। ये सीरीज एक चीज के लिए काफी बदनाम है और वो है इसकी टाइमलाइन, यानी कि इसके सारे पार्ट्स आपस में कनेक्टेड नहीं हैं। अब जल्दी से इसकी टाइमलाइन को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आई 1974 में दी ओरिजिनल टेक्सास चेनसो मासेकर, फिर 1986 में आई TCM 2 जो कि ओरिजिनल का डायरेक्ट सीक्वल है। इसके बाद पार्ट 3 और पार्ट 4 का पिछली दोनों मूवीज से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इन दोनों ही पार्ट्स में हमें एक अलग ही लेदर फेस और उसकी एक अलग ही फैमिली देखने को मिलती है। इसके बाद 2003 में इस सीरीज को रिबूट किया गया और 2006 में आई फिल्म इसी रिबूट का प्रीक्वल थी। फिर 2003 में आई टेक्सास चेनसो 3D जो कि ओरिजिनल मूवी का डायरेक्ट सीक्वल है, और फिर 2018 की लेदर फेस ओरिजिनल मूवी का प्रीक्वल है। तो बेसिकली सीरीज में लगभग 3 टाइमलाइंस हैं, लेकिन मैं आपको सारे पार्ट्स बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सीरीज का इंट्रो खत्म करते हैं और शुरू करते हैं दी टेक्सास चेनसो मासेकर फिल्म की कहानी को। और कहा जाता है कि यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, तो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए भी वीडियो एंड तक जरूर देखें। मूवी की शुरुआत में हमें एक टाइटल क्रोल दिखाया जाता है और एक नरेशन सुनने को मिलता है कि कैसे 5 टीनेजर्स की एक वेकेशन ट्रिप एक नाइटमेयर में बदल गई और ये फिल्म उनके साथ हुई घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है 1973 से और हमें क्राइम साइट की कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है। रेडियो से हमें पता चलता है कि टेक्सास के एक टाउन के कब्रिस्तान में लाशों की चोरियां हो रही थी। कोई गड़े हुए मुर्दों को चुरा कर ले जा रहा था और पुलिस पता नहीं कर पा रही थी कि ये कौन कर रहा है। इसी बीच हम देखते हैं 5 टीनेजर्स को, जिनके नाम है सेली, उसका भाई फ्रैंकलिन और उसके दोस्त जेरी, कर्क और पैम। सेली अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रैंडफादर की कब्र इन्वेस्टिगेट करने आई थी कि कहीं वो भी तो चोरी नहीं हो गई, लेकिन वो कब्र सही सलामत थी। इसके बाद ये पांचों सेली के पुराने फैमिली होम की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें एक स्लॉटर हाउस भी देखने को मिलता है जहां फ्रैंकलिन और सेली के दादाजी काम किया करते थे। इसके बाद एक हिचहाइकर इनसे लिफ्ट मांगता है और ये उसे भी वैन में बैठा लेते हैं। हिचहाइकर बताता है कि उसकी फैमिली मेंबर्स भी इसी स्लॉटर हाउस में काम करते हैं। वो उन्हें मीट इंडस्ट्री की पूरी प्रोसेस बताने लगता है कि कैसे एनिमल्स को मारा जाता है और कैसे उनकी खाल निकाल कर उन्हें उबाला जाता है, और ये सब सुन बाकी लोग थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे थे। इसके बाद ये आदमी फ्रैंकलिन के हाथों से एक नाइफ लेकर अपनी ही हथेली को काटने लगता है। इससे बाकी लोगों को पता चल जाता है कि इस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये आदमी फ्रैंकलिन की एक फोटो निकाल कर उसे उसी को बेचने लगता है, लेकिन फ्रैंकलिन मना कर देता है, जिससे नाराज होकर वो हिचहाइकर उसकी फोटो में आग लगा देता है। आखिर में ये आदमी एक रेजर ब्लेड निकाल कर फ्रैंकलिन का हाथ काटने लगता है, जिससे फाइनली वैन रोक कर उस हिचहाइकर को बाहर निकाल दिया जाता है और वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। इस इंसिडेंट से फ्रैंकलिन थोड़ा डर गया था। कुछ देर बाद ये ग्रुप एक गैस स्टेशन पर रुकता है, लेकिन ओनर से उन्हें पता चलता है कि स्टेशन में गैस खत्म हो गई है। वो उससे सेली के पुराने हाउस का रास्ता भी पूछते हैं। अब इस आदमी को उस घर का रास्ता तो नहीं पता था, लेकिन वो इन्हें किसी दूसरे की प्रॉपर्टी से दूर रहने की सलाह देता है। अब कुछ देर बाद इन्हें सेली का पुराना घर मिल जाता है और वो सभी को हाउस टूर देने लगती है। वहीं कर्क और पैम को पता चलता है कि इस घर के पीछे एक लेक हुआ करती थी, तो वो दोनों उसमें नहाने के लिए जाते हैं, लेकिन अब वो जगह सूख चुकी थी। इसके बाद इन्हें एक जनरेटर की आवाज़ सुनाई देती है जो कि पास के ही एक फार्म हाउस से आ रही थी। कर्क और पैम उस फार्म हाउस की तरफ जाने लगते हैं, इस उम्मीद में कि इन्हें वहां अपनी वैन के लिए थोड़ी गैस मिल जाएगी। इस फार्म हाउस में इन्हें कुछ पुरानी गाड़ियां और एक बड़ा सा जनरेटर मिलता है। कर्क यहाँ रहने वालों को आवाज लगाने लगता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। कर्क देखता है कि मेन डोर खुला हुआ था, तो वो इस हाउस में एंटर कर जाता है जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अंदर जाने पर उसे एक पिक के चिल्लाने की आवाज आने लगती है
और तभी उसके सामने एक हट्टा कट्टा आदमी आता है जो सीधा कर्क के हेड पर एक हथौड़े से मार देता है और उसकी बॉडी घसीटकर अंदर किचन में ले जाता है। ये लेदर फेस है और इसने ह्यूमन स्किन से बना हुआ मास्क पहना हुआ है और ये लेदर फेस का घर है। पेम जो कि कर्क का बाहर वेट कर रही थी वो भी कर्क को ढूंढने के लिए घर के अंदर जाती है। पेम एक कमरे में जाकर गिर जाती है और देखती है कि यहाँ हर जगह जानवर और इंसानों की हड्डियाँ पड़ी हुई थी। ये सब देख पेम बुरी तरह डर जाती है और इस घर से बाहर निकलने के लिए दौड़ती है, लेकिन लेदरफेस उसे भागते हुए देख लेता है और मेन डोर से ही उसे पकड़ लेता है। लेदरफेस पेम को किचन में लेकर आता है और एक बड़े से मीट हुक पर उसे टांग देता है। इसके बाद लेदरफेस अपनी चेन सो चालू करता है जो कि उसका आइकॉनिक वेपन है। लेदरफेस इस चेन सो से कर्क के बॉडी पार्ट्स काटने लगता है और हुक पर टंगी हुई पेम ये सब रोते हुए देख रही थी। अब क्योंकि कर्क और पेम को वापस लौटे काफी समय हो गया था तो जेरी भी उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और जेरी भी लेदरफेस के घर पहुंच जाता है। जेरी को यहाँ कर्क की जैकेट पड़ी हुई मिलती है और वो भी इस घर में घुस जाता है और सीधा किचन में जाता है जहाँ के मीट हुक पर अब पेम नहीं थी। जेरी को यहाँ के फ्रीजर से कुछ आवाजें आने लगती है। वो जब उसे खोलता है तो उसके अंदर से पेम निकलती है जो कि अभी भी जिंदा थी। इससे पहले जेरी कुछ कर पाता लेदरफेस चिल्लाते हुए वहाँ आता है और एक ही हथौड़े से जेरी को भी मार देता है। इसके बाद वो पेम को वापस उसी फ्रीजर में बंद कर देता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। लेदरफेस खुद भी थोड़ा डर जाता है कि अनजान घुसपैठिए उस बेचारे के घर में क्यों और कहाँ से आ रहे थे। इधर रात हो चुकी थी और सेली को अपने दोस्तों की चिंता हो रही थी। वो भी उन्हें ढूंढने जाने को बोलती है लेकिन उसका भाई फ्रैंकलिन जिद करता है कि वो भी उसके साथ चलेगा। इसके बाद दोनों अंधेरे में जंगल में निकल पड़ते हैं। काफी दूर आने पर फ्रैंकलिन को किसी की आवाज़ सुनाई देती है और लेदरफेस अंधेरे में से एक चेनसो लेकर बाहर आता है और उसे सीधा फ्रैंकलिन के अंदर घुसा देता है। लेदरफेस फ्रैंकलिन को चीर देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। सेली ये नजारा देख कांप जाती है और वहां से भागने लगती है। लेदरफेस अपनी चेनसो लेकर उसका पीछा करने लगता है। सेली को दूर से एक रोशनी दिखाई दे रही थी और वो उसी दिशा में भागती है इस उम्मीद में कि वहां कोई उसकी मदद करेगा, लेकिन भागते हुए वो लेदरफेस के ही घर पहुंच जाती है। घर के अंदर जाकर वो मेन डोर को अंदर से लॉक कर लेती है और लेदरफेस उस डोर को अपनी चेनसो से काटने लगता है। सेली भागकर ऊपर वाले एटिक में जाती है जहां दो लोग बैठे हुए थे, लेकिन सेली को पता चलता है कि ये जिंदा इंसान नहीं है बल्कि लाशें हैं। इधर लेदरफेस भी डोर काटकर अंदर आ चुका था तो सेली एक विंडो तोड़कर घर से बाहर कूद जाती है और फिर से जंगल में भागने लगती है और लेदरफेस उसका पीछा करता है। इस बार सेली भागते हुए उसी गेस्ट स्टेशन पर पहुंच जाती है जो हमने शुरुआत में देखा था। सेली स्टोर के अंदर भागती हुई आती है और यहाँ के स्टोर ओनर से कहती है कि वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करे। ओनर सेली को शांत करते हुए बोलता है कि उसके पास कोई टेलीफोन नहीं है लेकिन वो उसे अपने ट्रक में पुलिस स्टेशन छोड़ देगा। इसके बाद ये आदमी कहीं से एक बोरी और रस्सी ढूंढकर लाता है। ये देख सेली समझ जाती है कि इस आदमी के इरादे नेक नहीं है और वो तुरंत ही एक चाकू उठा लेती है, लेकिन ये ओनर एक झाड़ू से सेली को मार मार कर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो सेली के हाथ पैर बांधकर उसे बोरे में डाल देता है और उसे ले जाकर अपने ट्रक में पटक लेता है और उसे लेकर कहीं जाने लगता है। रास्ते में उसे वही हिचहाइकर मिलता है जो हमने शुरुआत में देखा था। शॉप ओनर बाहर निकलकर उस हिचहाइकर को भी पीटने लगता है और फिर दोनों सेली को लेकर वापस लेदरफेस के घर ही जाते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि ये तीनों एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं और लेदरफेस इन दोनों का भाई है और शॉप ओनर को इस मूवी में द कुक नाम दिया गया है और वो इनमें सबसे बड़ा भाई है। कुक लेदरफेस को अपने झाड़ू से पीटने लगता है क्योंकि उसने सेली को जिंदा भागने दिया और मेन डोर को भी चेनसो से काट दिया। लेदरफेस दिमागी रूप से एक बच्चा है और उसे ठीक से बोलना भी नहीं आता। वो वही करता है जो उसकी फैमिली मेंबर्स उसे करने को कहते हैं। अब इन लोगों का डिनर टाइम हो गया था तो हिचहाइकर और लेदरफेस ग्रैंडपा की लाश को नीचे लेकर आते हैं और सेली की एक उंगली काटकर उसके ब्लड को ग्रैंडपा को पिलाते हैं और हमें पता चलता है कि ये कोई सड़ी हुई लाश नहीं थी बल्कि 124 साल का बूढ़ा आदमी है जो कि जिंदा है। और ये देख सेली बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को डिनर टेबल पर पाती है और उसके हाथ बंधे हुए थे। सोयर फैमिली डिनर कर रही थी। हिचहाइकर बताता है कि बोर लेदरफेस लोगों को मारते हैं और उसका बड़ा भाई उन्हें कुक करता है। सेली गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि वो लोग उसे जाने दे
लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं होता। कुक अपने भाइयों से कहता है कि वो सैली को मारकर उसका किस्सा खत्म करे, लेकिन हिचहाइकर बोलता है कि ये काम ग्रैंडपा करेंगे क्योंकि उन सब में वो बेस्ट किलर हैं। इसके बाद हिचहाइकर सैली के हाथ खोल उसे ग्रैंडपा के पास लेकर जाता है और लेदरफेस ग्रैंडपा के हाथ में एक हथौड़ा देता है जिससे वो सैली को मार दे। लेकिन मारना तो छोड़ो, ग्रैंडपा उस हथौड़े को ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा था। लेदरफेस बार बार हथौड़ा उसके हाथ में देता है और एक बार तो वो सैली के सर में भी लग जाता है, लेकिन तंग आकर हिचहाइकर ये काम करने को बोलता है और मौका देख सैली वहाँ से भाग जाती है और फिर से एक विंडो तोड़कर घर से बाहर कूदती है। वो देखती है कि उसे टॉर्चर करते हुए सुबह हो चुकी थी। सैली रोड की तरफ भागने लगती है और हिचहाइकर और लेदरफेस अपनी चेनसो लेकर उसका पीछा करते हैं। हिचहाइकर सैली को पकड़ लेता है और अपनी रेजर ब्लेड से उसकी पीठ पर कट मारने लगता है, लेकिन तभी एक ट्रक उनकी तरफ तेजी से आता है। सैली वहां से हट जाती है और हिचहाइकर ट्रक के नीचे कुचलकर मारा जाता है। ट्रक ड्राइवर सैली की मदद करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन लेदरफेस को देखकर वो भी सैली के साथ ट्रक में बैठ जाता है, लेकिन किसी कारण से दोनों दूसरे डोर से बाहर आ जाते हैं। ट्रक ड्राइवर अपने साथ एक रेंच भी ले लेता है और उसे लेदरफेस के सर पे फेंक के मारता है जिससे लेदरफेस वहीं पर गिर जाता है और उसकी चेनसो से उसका पैर थोड़ा कट भी जाता है, लेकिन वो फिर से उठ खड़ा होता है। अब एक और मिनी ट्रक इस तरफ आता है और सैली उसे हाथ देती है। सैली को देख वो ड्राइवर ट्रक रोक लेता है। अब इससे पहले लेदरफेस सैली को पकड़े, सैली उस ट्रक में बैठ जाती है और वो ट्रक ड्राइवर वहां से तेजी से निकल जाता है। सैली खुशी के मारे पागलों की तरह हंसने लगती है क्योंकि फाइनली उसकी जान बच गई थी। और वहीं लेदरफेस गुस्से में अपना आइकॉनिक चेनसो डांस करता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ये मूवी सुपर हिट थी, लेकिन इसमें दिखाए वॉयलेंस के कारण कई देशों में इस मूवी को उस समय बैन कर दिया गया था। कई लोगों का मानना है कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित थी और मूवी को प्रमोट भी कुछ इस तरह से ही किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है और इसकी पूरी कहानी मनगढ़ंत है। इस मूवी का बजट इतना कम था कि लेदरफेस का रोल कर रहे एक्टर को पूरी शूटिंग के दौरान सिर्फ एक ही कॉस्ट्यूम पहनकर काम चलाना पड़ा था और उस कॉस्ट्यूम को पूरी शूटिंग के दौरान धुलवाने भी नहीं भेजा गया इस डर से कि कहीं वो चोरी ना हो जाए, क्योंकि सैली की एक्ट्रेस के कपड़े सच में चोरी हो गए थे और उन्हें भी पूरी शूटिंग एक ही टी शर्ट में करनी पड़ी थी जो एंड वाले सीन तक सॉलिड हो गई थी, और इनके पास चेनसो भी सिर्फ एक ही थी। इस मूवी की कास्ट को कई बार इंजरीज हुई हैं। सैली की एक्ट्रेस को भी विंडो से जंप के दौरान चोट लग गई थी। डिनर वाले सीन में जब सैली की उंगली काटी गई थी तब वहाँ नकली ट्यूब से ब्लड निकलना था, लेकिन किसी कारण से उसमें ब्लड नहीं आ रहा था तो फ्रस्ट्रेटेड होकर उस एक्ट्रेस की सच में उंगली काट दी गई थी। इस फिल्म में ब्लड और गोर ना के बराबर दिखाया गया है क्योंकि डायरेक्टर चाहते थे कि इस फिल्म को पीजी रेटिंग मिले, लेकिन फिर भी इस मूवी में दिखाए गए वॉयलेंस के कारण इस फिल्म को आर रेटिंग दी गई थी। इस मूवी का बजट $80,000 था और इसने $3 करोड़ की कमाई की थी। तो दोस्तों, ये थी दी ओरिजिनल टेक्सास चेनसो मासेकर। जितना अच्छा इस वीडियो पर रिस्पॉन्स आएगा मैं उतनी ही जल्दी इसका अगला पार्ट लेकर आऊंगा। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ।